सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं के सुधार के निर्देश कितने सार्थक हो रहे हैं ये देखना है तो जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इंदरगढ़ में आकर देखिए, जहां अस्पताल प्रबंधन मस्त है और अस्पताल में भर्ती मरीजों की कुप्रबंधन से हालत खराब है। जिला प्रशासन और सीएमएचओ दतिया हमेशा सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने का समय समय पर फरमान जारी करते हैं, लेकिन हकीकत में सरकारी अस्पताल में मरीजों को क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं इसको देखने वाला कोई नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इंदरगढ़ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अपने कामों में व्यस्त है, पूरा अस्पताल व्यवस्थाओं की चपेट में है। वहीं मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिलता और जो प्रसूताएं महिलाएं भर्ती होती हैं उन्हें अंधेरे में और गर्मी में दिन और रात गुजारना पड़ती है। वैसे सरकार मरीजों को सुविधाएं देने के नाम पर लाखों रुपए भी खर्च करती है, इसके बावजूद भी अस्पतालों की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। जो आदेश एसी रूम में निकलता है वह आदेश एसी रूम में ही खत्म हो जाता है, धरातल पर कोई सुधार नहीं होता है। अव्यवस्थाओं का ऐसा ही मामला इंदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया है, जहां सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाओं का आलम यह है कि दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। डॉक्टरों की कमी से मरीज पहले ही परेशान थे, अब गर्मियों अंधेरे में भी वार्ड में भर्ती है। अस्पताल का जनरेटर खराब होने के कारण वार्ड में भर्ती मरीजों के साथ साथ नवजात शिशु एवं प्रसूताएं भी भीषण गर्मी से परेशान है। परिजन हाथ पंखा चलाकर समय काटते देखे जा सकते हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नवजात शिशु किस तरह से इस उमस भरी गर्मी में तड़प रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जनप्रतिनिधि को कोई परवाह नहीं। शनिवार को टीवी 27 न्यूज की टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अस्पताल में भर्ती मरीजों और प्रसव के लिए आई प्रसूताओं के परिजनों से बात की तो उन्होंने बताया कि एक दो घंटे के लिए बिजली आती है, बाकी समय अस्पताल में लाइट दिन और रात में गायब रहती है। 6 से 7 घंटे लगातार लाइट नहीं होने के कारण वार्डों में भर्ती मरीजों की गर्मी से परेशानी होती है। सबसे ज्यादा परेशानी उन प्रसूताओं उनके शिशुओं को होती है जिन्हें अच्छे वातावरण की जरूरत है। अस्पताल में जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, पंखे में कूलर सोपीश बने हुए हैं, चालू नहीं होते हैं। वहीं अस्पताल में भर्ती दीक्षा पत्नी रामहित ग्राम अहरोनी और खुशबू पत्नी राहुल ग्राम बढ़ेरी ने बताया, हाथ में पंखा डुलाते हुए बताया कि शुक्रवार सुबह डिलीवरी हुई थी, लाइट नहीं होने के कारण नवजात बच्ची के साथ भीषण गर्मी में तड़प रही हूँ। वहीं बच्चा टेक अस्पताल में कोई सुनने वाला नहीं, कोई भी सीधे मुंह बात ही नहीं करता। शिव रमन सिंह राठौर की रिपोर्ट। हमारा कहाँ से आए मरीज? कहाँ से? बड़ेरी से। बड़ेरी से। लाइट की क्या व्यवस्था है यहाँ? क्या व्यवस्था में आपको दिखा रहा है? लाइट आज सुबह से थी क्या तो बताएं पूरी बात। हम तो अभी आए हैं लेकिन हमें मालूम नहीं है लाइट नहीं थी। एक जी आए दिन हमारा साधन है। और मरीज का क्या नाम है? दीक्षा। दीक्षा कब हुई थी डिलीवरी? कब हुई थी? शाम को 1 बजे। क्या मुझे लाइट नहीं है, पंखे नहीं चले, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे आप? बोल दो कि जो बोल देना हमें, कौन है ना रहने ताल में आप। परेशानी जो का परेशानियाँ ही है सबरी, लाइट नहीं है, सारी दिन करवाया सी डरे पूरे दिन की बीज ना डुला रहा है, मरे जा रहा है, बाबा करा पूरी तरह बड़बड़ा रहा है। लाइट आ गई तो पंखा चल रहा है, नहीं आ रही लाइट तो दिन भर के ऐसे ही डरे।